रूस ने भी कुछ दिनों पहले अपने देश में एक प्रदर्शनी लगाई है जिसमें यूक्रेन से युद्ध के दौरान जब्त किए गए सैन्य हथियारों को लोगों को दिखाया गया। ये प्रदर्शनी पूरी मई महीने तक आयोजित की जानी थी। ऐसी भी खबरें हैं कि रूस ने जब्त किए गए कुछ यूक्रेनी हथियार चीन को भी दिए हैं। दरअसल चीन खुलकर सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरह अमेरिका का समर्थन यूक्रेन के साथ है, इसी तरह चीन रूस को अपना समर्थन दे रहा है। रूस और चीन की निकटता एक बार फिर सामने आई है। दरअसल चीन में एक तस्वीर इंटरनेट पर शेयर की जा रही है जिसमें अमेरिका द्वारा निर्मित पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तस्वीर है। तस्वीर सामने आने के बाद इस डिफेंस सिस्टम के ओरिजिन यानी इसे बनाने वाले देश को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। माना जा रहा है कि यह पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ट्रेनिंग के लिए बनाया गया था, जो कि निष्क्रिय मॉकअप है। इसे विस्मोट के रूप में भी जाना जाता है। फोटो में दिखाया गया कि पैट्रियट सिस्टम को एक फ्लैट बेड ट्रक से खींचा जा रहा है। फ्लैट बेड के एक हिस्से पर चीनी भाषा मंदारिन का शब्द जुझाऊ दिखता है। इससे पता चलता है कि ये बीजिंग के दक्षिण में स्थित चीन के जुझाऊ के आसपास कहीं है। फिलहाल ये दावा किया जा रहा है कि इसे रूसी सेना ने यूक्रेन में पकड़ लिया था और चीन को दे दिया। लेकिन यदि वाकई ऐसा होता तो ये खबर मीडिया में छा जाती, क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले अन्य उपकरणों के बारे में तुरंत मीडिया में जानकारी प्रसारित होने लगती है। इस सिस्टम के चीन पहुंचने के बारे में एक दावा ये भी था कि सिस्टम को कुछ भ्रष्ट यूक्रेनी अधिकारियों ने चीन को बेच दिया था। हालांकि माना जा रहा है कि पहले के दावों की तरह इस दावे का भी कोई आधार नहीं है। अब जान लेते हैं पैट्रियट सिस्टम के बारे में। तो ये लंबी दूरी तक मार करने वाला ऐसा सिस्टम होता है जो ट्रैकिंग रडार से लैस होता है और सीधे टारगेट पर हमला करता है। इसकी खासियत यह है कि इसे किसी भी मौसम और ऊंचाई से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आमतौर पर अमेरिकी सेना और उसके सहयोगी देश इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अब असली पैट्रियट सिस्टम से तुलना की जाती है तो देखा गया कि चीन में देखे गए पैट्रियट सिस्टम में कई लॉन्च कंपोनेंट्स और वायरिंग देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि टारगेट मॉकअप में उस तरह के पुर्जों की जरूरत नहीं होती है। वायरल हो रही तस्वीर में दिखने वाले पैट्रियट सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक दिखावा है। माना जा रहा है कि चीन ऐसे ही अमेरिकी सैन्य हथियारों की तरह दिखने वाले सैन्य हथियार बनाता रहता है जो असली नहीं होते हैं। अगर वाकई ऐसा कुछ नहीं है तो इसका ये मतलब और मकसद हो सकता है कि ये तस्वीर चीन द्वारा जानबूझकर शेयर करवाई गई होगी, जिससे कि अमेरिका को चिंता में डाला जा सके कि चीन के पास भी पैट्रियट सिस्टम है।